हेलो स्टूडेंट्स, अगला अपना क्वेश्चन है एक सी टी क्यू सीरीज़ का, आपका एलजेब्रा का क्वेश्चन है। सी टी क्यू सीरीज़ में अपन क्या सीख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, उसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा वो अपन डिस्कस करने वाले। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एलजेब्रा का क्वेश्चन है ना, एलजेब्रा की आइडेंटिटी यूज़ होगी इसमें, तो वो अपने को अप्लाई करनी है, फिर अपने को इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना ना। थोड़ी सी आप ट्राई करोगे तो आराम से ये क्वेश्चन बन सकता है, बट हाँ हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना। नॉर्मल मे बी ये एनटीएससी वगैरह में भी नहीं पूछा जाए, जैसे आरएमओ एनएमटीसी ऐसे एग्ज़ाम होते हैं उसमें ज़रूर ये कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है भैया, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं चीज़ बताओ मेरे को, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया, एक्स की पावर 11 प्लस वाई की पावर 11 निकालनी। देखो एक बात बोलता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, है ना। सिंपल सा देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, और टू एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऐसा होगा। सिमिलरली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखना चाहो तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो एक्स प्लस y की पावर 3 माइनस 3x y x प्लस वाई, ऐसा कुछ होगा। ये अपन लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्लियर। उसके बाद मेरे को लिखना हो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 क्या लिख सकता हूँ, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अब देखो सपोज मेरे को निकालना x की पावर 5 प्लस y की पावर 5, ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना, ऐसा लिखूँ। ठीक है, उसके बाद दो टर्म और आएगी तो उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ कैसे अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, एक्स की पावर 5, एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, वाई स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा वाई स्क्वायर एक्स क्यूब, और वाई स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो वाई क्यूब। अब देखो ये जो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाला टर्म बन जाएगा। सेम अपन शायद इसको भी ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको भी लिखना चाहे ना, एक्स क्यूब वाई प्लस वाई क्यूब, है ना, इसको अपन एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखना चाहो, है ना, इस वाला ये वाला तरीका इसी फॉर्म में अपन लिख रहे हैं ना, वो मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं चाहो ना तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसी फॉर्म में ये जो फॉर्म लिखना, इस फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई एक्स स्क्वायर, दोनों सेम चीज़ें, दोनों से आप एक्स क्यूब वाई क्यूब निकालना चाहोगे तो आंसर सेम आएगा। अब देखो इसका यूज़ क्या आएगा, देखो मेरे को ये निकालना एक्स की पावर 11 प्लस वाई की पावर 11, अब देखो सेम, अब देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एक्स की पावर 11 प्लस वाई की पावर 11, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो एक्स की पावर 5 सॉरी हाँ सही है, एक्स की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 वाई की पावर 6 माइनस वाई की पावर 5 एक्स की पावर 6, ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखो ये मेरे को निकालना है, तो देखो x की पावर 5 y की पावर 5 तो यहाँ से निकल जाएगा, अब अपने को चाहिए x की पावर 6 प्लस y की पावर 6, है ना, आगे वाले में क्या होगा वो भी आराम से बन जाएगा। अब x की पावर 6 प्लस y की पावर 6, तो मैं लिखता हूँ x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 इक्वल टू x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, है ना, ये ले लो या फिर क्यूब वाला ले लो तो भी चल जाएगा। देखो पावर 6 है ना, तो क्यूब वाला दो बार ले लो तो भी चल जाएगा, है ना, आप y की पावर 4 ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आया सेम चीज़ ऐसे ही, माइनस एक्स स्क्वायर
वाई की पावर फोर माइनस वाई स्क्वायर एक्स की पावर फोर। देखो ये सब फॉर्मूले बनाए अपन ने, है ना, ऐसे आप आगे भी लिख सकते हो, है ना, इसको सपोज क्यूब वाले स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट अपने ये सिंपल ये वाला तरीका आपको समझा। क्या करा मैंने, देखो ये निकालना था इसका एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करा, जो एक्स्ट्रा है इसको सबट्रैक्ट कर लिया। अब देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालता हूँ, ये अपने को चाहिए, इसको मैं सबसे लास्ट में यूज़ करूँगा। मेरे को निकालना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका मैंने फॉर्मूला लिखा, देखो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने फॉर्मूला लिखा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, टू है, इक्वल टू एक्स प्लस वाई कितना है, एक्स प्लस वाई आपका वन है, तो वन स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स वाई। तो यहाँ से इधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो वन इक्वल टू माइनस टू एक्स वाई होगा, तो आपको डियर यहाँ से मिला एक्स वाई इक्वल टू माइनस वन बाई टू। अब देखो एक्स वाई की ज़रूरत क्यों पड़ेगी वो भी अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, एक्स वाई माइनस वन बाई टू आया। अब देखो कुछ भी निकालना है अपने को, एक्स की पावर फाइव निकालना, तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए और एक्स क्यूब वाई क्यूब भी चाहिए, तो अब अपन एक्स क्यूब वाई क्यूब निकालते, ये वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, वाई क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है, ऐसा है। अब देखो यहां तो कोई दिक्कत नहीं अपने को, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल गया, है ना, एक्स प्लस वाई मिल गया। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं, देखो इन दोनों में माइनस एक्स वाई कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस वाई, इसमें से भी एक्स वाई कॉमन लिया, इसमें से भी एक्स वाई कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये बाकी सेम चीज सेम रहेगी। अब मेरे को बताओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपने को पता है टू है, तो टू मैंने पुट कर दिया, टू इंटू एक्स प्लस वाई आपका वन है, वन माइनस एक्स एक्स वाई माइनस वन बाई टू। देखो एक्स वाई की यहाँ जरूरत पड़ेगी, हर एक में लास्ट में ऐसा कॉमन आएगा, हर एक में एक्स वाई की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो यही सेम जरूरत पड़ी एक्स वाई की, तो एक्स वाई की वैल्यू पुट रखी, एक्स वाई कितना है अगेन एक्स प्लस वाई वन, ठीक है, तो ये कितना होगा टू प्लस वन बाई टू जो कि होता है डियर फाइव बाई टू। तो मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना है डियर आपके पास फाइव बाई टू, ठीक है, चलो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया फाइव बाई टू। अब देखो अब आगे क्या निकालना है अपने को, एक्स की पावर फाइव निकालने के लिए एक्स स्क्वायर चाहिएगा, एक्स क्यूब चाहिएगा, तो एक्स की पावर फाइव निकाल सकते हो, बट एक्स की पावर सिक्स निकालने के लिए एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर चाहिएगा, तो मैं ये भी निकाल देता हूँ, तो एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर, तो आपका क्या बनेगा एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, देन बनेगा माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको पता है कितना है टू है, तो टू का स्क्वायर माइनस टू इंटू, इसको लिख सकता हूँ एक्स वाई का होल स्क्वायर, और एक्स वाई आपने निकाला था जो कि है माइनस वन बाई टू, तो ये बन गया डी आर फोर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा वन, तो ये आ गया फाइव। तो मतलब डियर आपका एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर ये कितना आ गया फाइव, ठीक है, ये फाइव आ गया, क्लियर। चलो अब देखो एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर आ गया, अब ये देखो एक्स की पावर फाइव प्लस वाई की पावर फाइव, एक्स की पावर सिक्स प्लस वाई की पावर सिक्स निकाल सकते हो। अब मैं पहला निकालता हूँ एक्स की पावर फाइव प्लस वाई की पावर फाइव, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर। अब देखो अगेन इसमें देखोगे ना तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई, बस ये सेम बची चीज। अब देखो एक्स की पावर फाइव प्लस वाई की पावर फाइव निकाल देते हैं। अब देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आप निकाल चुके हो फाइव बाई टू, तो आपने पुट करा फाइव बाई टू इंटू, ये देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है शायद टू है आपका, टू है टू माइनस। अब एक्स वाई का स्क्वायर, तो एक्स वाई है आपका माइनस वन बाई टू,
उसका स्क्वायर और एक्स वाई कितना, एक्स प्लस वाई कितना है 1 ना, सभी वैल्यू पुट कर ली तो ये कट गया, तो 5 ये माइनस माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ ना यार, 21/4। एक बार मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन वेरीफाई कर लेता हूँ, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ मैं, हाँ यही मैंने गलती करी है। यहाँ आपका क्या आएगा, माइनस होगा ना, इसका स्क्वायर 1/4, माइनस का माइनस एज इट इज रहेगा, तो ये 19/4 आ गया। तो मतलब x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 कितना आ गया, 19/4। अब बस लास्ट वैल्यू बची है, देखो वो जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा है ना, वो जो फॉर्मूले लिखे अपन ने डेराइव करें, मतलब डेराइव बोल दो या फिर समझे, वो फॉर्मूले आपको ये समझ में आ गए, तो बाकी क्वेश्चन तो स्टेप बाय स्टेप सिर्फ कैलकुलेशन है। अब निकालना है x की पावर 6 प्लस y की पावर 6, जो कि होता है डियर x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x की पावर 4 y स्क्वायर माइनस y की पावर 4 x स्क्वायर। इसमें अगेन आपका x की पावर 4 y की पावर 4 कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा x प्लस y। बस अब देखो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 कितना था, 5, 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 था, माइनस एक्स इंटू वाई की पावर 4 यानी माइनस 1/2 की पावर 4 इंटू एक्स वाई 1 अगेन, तो ये कितना हो गया 10 माइनस कितना हो जाएगा 1/16। यार ये गड़बड़ हो रहा है, कुछ पक्का कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पे अगेन, यार सॉरी एक मैंने मिस्टेक यहाँ पे करी यार। ये देखो यहाँ पे ना एक्स वाई का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका एक तो स्क्वायर आएगा है ना, स्क्वायर आएगा तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बचेगा देखो 4 माइनस 2 इंटू 1/4 है ना, तो ये कट जाएगा 2 बार, तो ये आ जाएगा डियर 7/2, तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 आएगा 7/2। एक तो ये मिस्टेक करी, ठीक है, यहाँ पे भी अगेन एक मिस्टेक करी यार। देखो यहाँ पे है ना आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अब अगेन यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये है आपका माइनस 1/2 का स्क्वायर इंटू, ये आपका कितना था 7/2 इंटू 2 माइनस 1/2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई स्क्वायर 2 है, तो ये आपका आ गया 7 माइनस, ये आ जाएगा माइनस 1/2 यानी 1/4 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 1/2, तो 7 माइनस 1/2 यानी 14, 14 माइनस 1 यानी 13/2, तो x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 इक्वल टू आ गया 13/2। अब आपके पास सभी वैल्यू मिल गई है, अब इसको निकालना आसान हो गया। अब देखो अगेन इसमें देखो, इसमें आप कॉमन ले सकते हो x की पावर 5 प्लस इंटू y की पावर 5 इंटू x प्लस y, बस माइनस का माइनस। अब देखो अब वैल्यू पुट कर दो, x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 आपका था 19/4, ये आया आपका 13/2, ये माइनस का x की पावर 5 प्लस इंटू माइनस 1/2 की पावर 5 इंटू 1 है ना डियर, तो ये आपका हो जाएगा 7/5 कॉमन आ जाएगा 247/8 माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 1/32, ठीक है, तो इन दोनों को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कर दो है ना, तो ये 28 2 16 और 2 18 1 8 और 1 9 अपॉन 32 प्लस 1 अपॉन 32, तो आपका हो जाएगा 289/32, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा x की पावर 11 प्लस y की पावर 11। क्लियर डियर, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था इसका, एक अपना सिटीगुआ क्वेश्चन है ना, तो इसमें अपने देखो मोटे मोटे तौर पे ये जो फॉर्म लिखा है अपन ने हर हर इक्वेशन के लिए, ठीक है, हर एक के लिए ये वाली ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है। फिर अपने क्या किया, पहले यहां से निकाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी, मैंने इससे निकाला, आप इससे निकालोगे तो भी सेम आंसर आएगा, फिर देन एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, फिर एक्स की पावर 5 वाई की पावर 5, फिर एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6, फिर लास्ट में ये, बस हाँ थोड़ा सा आप कैलकुलेशन का ध्यान रखना, जैसे मैंने गलतियाँ की वैसे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, तो आसानी से बन जाएगा। क्लियर डियर, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कुछ नया कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आया था है ना, तो
वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, है ना। CTQ में यही ट्राई कर रहा हूँ कि कोई भी बच्चा है, जनरली बच्चे को क्या कंटेंट CBSE रिलेटेड या बोर्ड रिलेटेड या NTSC रिलेटेड तो मिल जाता है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की इच्छा होती है तो कुछ मिलता नहीं ऐसा कंटेंट, तो मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन लाने की ट्राई कर रहा हूँ। हो सकता है किसी बच्चे को अच्छा लगे, किसी बच्चे को हो सकता है ये ज़्यादा आसान क्वेश्चन लगे, वो उसके IQ पे डिपेंड है। हो सकता है किसी बच्चे को एकदम घटिया क्वेश्चन लगे कि यार इतना टफ क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा, वो बच्चे टू बच्चा वेरी करेगा, बट हाँ मैं मेरी तरफ से बेस्ट आपके लिए देने की ट्राई कर रहा हूँ। क्लियर डियर? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट CTQ क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।